भारत रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को पहली बार मुंबई हार्बर पर दुनिया के सामने उजागर किया। इसी के साथ भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1997 में INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था, लेकिन अब विक्रांत का नया वर्जन सबके सामने आया है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी INS विक्रांत पर आए, जहां भारतीय नौसेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऐसा पहली बार था जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर आए थे। INS विक्रांत पर MiG-29K और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कठिन से कठिन परिस्थितियों में लैंडिंग और टेक ऑफ करने का ट्रायल पूरा किया जा चुका है। भविष्य में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात करने की योजना है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।